ठीक है दोस्तों, हमारे पास है पैनासोनिक इलुगा टर्बो। देखते हैं मॉडल, मॉडल आप देख लीजिए। इसमें जो है जीमेल बाईपास हमें करना है, तो किस तरह से करेंगे, तो जीमेल आईडी अगर आप भूल चुके हैं तो देखिए यहाँ स्किप का ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसे किस तरह से इनेबल करना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर पर, एक छोटी सी फाइल है डाउनलोड कर दीजिए और मिलते हैं कंप्यूटर पर। पहले आप ये तीनों फाइल जो नज़र आ रही है वो डेस्कटॉप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर दीजिए। तीनों की लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत ही छोटी सी फाइल है, सिर्फ टेक्स्ट फाइल है, तो बस और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ड्राइवर है, ड्राइवर को इंस्टॉल किस तरह से करना है। अगर 32 बाइट कंप्यूटर तो 32 बाइट, 64 तो 64, तो इसे भी डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिए, इंस्टॉल हो जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं मालूम पड़ता तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रखा होगा, हाउ टू इंस्टॉल एमटीके ड्राइवर। तो ठीक है, देखिए ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आपको टूल्स ओपन करना है। टूल्स में आपको ये आइकॉन नज़र आएगा, उसे डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। यहाँ से ये चीज़ बंद कर देते हैं, यहाँ ओके कर दीजिए। उसके बाद एक ब्लैंक टूल्स आपको ओपन हो जाएगा, यहाँ से स्कार्टर लोडिंग पर क्लिक कीजिए। वहाँ डेस्कटॉप पर चले जाइए, डेस्कटॉप पर जाने के बाद आपको एक जहाँ से हमने फाइल डाउनलोड किया उसे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ स्कार्टर लोडिंग पर इसे ओपन कर दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको फॉर्म भर नज़र आ जाएगी, सारी की ब्लैंक अनचेकेड। ठीक है, इस टैब को छोड़ दीजिए, यहाँ फॉर्मेट टैब पर क्लिक कीजिए, मैन्युअली फॉर्मेट प्लेस, और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट काम है वो अब शुरू होता है। यहाँ एड्रेस की एक और फाइल होगी, उसे ओपन कीजिए। उस फाइल को आपको कॉपी करनी है, ठीक है, एड्रेस कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, लेंथ में लेंथ, एड्रेस पर एड्रेस। ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों, लेंथ में लेंथ और एड्रेस पर एड्रेस हैक्स। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सिर्फ इलुगा टर्बो के लिए है, किसी और मॉडल में इसे इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो आपका फ़ोन जो है डैमेज हो जाएगा। तो सिर्फ इलुगा टर्बो के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आपको मोबाइल जो है स्विच ऑफ कर दीजिए, उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद मोबाइल एक बार स्विच ऑफ करके सीधा आप इसे यूएसबी कनेक्ट कर दीजिए। मेरा ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए ये तुरंत ही एक्सेप्ट हो जाएगा। आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो थोड़े वक्त, एक आध दो मिनट के बाद आपका जो है प्रोसेस होगा। तो देखिए यहाँ एक ही सेकंड में जो है फॉर्मेट हो चुका है। तो चलिए मोबाइल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, फोन शुरू होने के बाद आप नेक्स्ट कीजिए, स्किप कीजिए, वाईफाई बंद कर दीजिए एक बार आप। देखिए मैं वाईफाई यहाँ से बंद कर देता हूँ, तो यहाँ से स्किप किया, यहाँ से स्किप का ऑप्शन आपका जो पहले इनेबल नहीं था वो इनेबल हो चुका है। तो दोस्तों आपका जो जीमेल है वो सक्सेसफुली बाईपास हो चुका है यहाँ से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए यहाँ से, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को यहाँ से, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि आगे भी मैं ऐसे यूज़फुल शॉर्टकट वीडियो जो आपके पैसे बचा सकता है वो भेजता रहूँगा। तो यहाँ से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।